हेलो फ्रेंड, तो हमारे पास है ये ग्लैमर, और ये ग्लैमर में क्या प्रॉब्लम आ रही है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए स्पार्क प्लग है, और ये स्पार्क प्लग हर एक हफ्ते में काला हो जाता है, हर एक हफ्ते में काला हो जाता है। और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें चेक कर लिया, कार्बोरेटर, फिल्टर और भी काफ़ी चीज़ें चेक कर लिया, लेकिन जो स्पार्क प्लग ये काला होने की प्रॉब्लम है ये नहीं सॉल्व हो रही है। एक काला हो जाता है, गीला हो जाता है तो समझ लीजिए पिस्टन का काम होना है, लेकिन इसका हमने पिस्टन का भी काम किया, लेकिन जो काला और ये गीला हो जाता है और प्लग शॉर्ट हो जाता है बार बार, ये प्रॉब्लम आती है इस गाड़ी में। तो ये प्रॉब्लम कैसे सही करेंगे ये आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम हम कैसे सही करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये यूरो 2 वाली पाइप होती है, ये यूरो 2 वाली पाइप होती है, इसको चेक करना पड़ेगा कहाँ से लीकेज है कहाँ से नहीं। तो चलिए, तो फ्रेंड ये देखिए हमने पूरा इसका जो है यूरो 2 खोल लिया, ये देखिए ये है यूरो 2 इसका, और इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि यूरो 2 ये जो है जाम हो गया था, ये जो यूरो 2 की पाइप हो गई है ये जाम हो गई थी, ये यहाँ से पूरी एयर कहीं से नहीं निकल रही थी, बिल्कुल जाम हो गई थी, और ये जाम होने की वजह से इसमें से एयर नहीं निकल पा रही थी, एयर वापसी नहीं निकल पा रही थी। ये इस तरीके से जुड़ा होता है, यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ जाता है, यहाँ से जो कूलिंग होती है ये फिल्टर में जाती है, और एक ये जो पाइप होता है ये इसमें एयर कूलिंग करके इसमें भेजता है। ठीक फ्रेंड, ये यूरो 2 वाली जो पाइप थी ये बिल्कुल जाम हो गई थी, यहाँ से बिल्कुल जाम हो गई थी, और यहाँ पर भी जाम हो गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे भी जाम हो जाता है, ये अगर जाम हो गया तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी में प्लग काला 100% निकलेगा और गाड़ी माइलेज नहीं देगी। बहुत समय मैकेनिक भाई होते हैं, गाड़ी इंजन बनाते हैं या फिर गाड़ी में काम करते हैं, और उनकी गाड़ी में अगर प्लग काला आता है तो वो लोग क्या करते हैं, इसको साफ़ नहीं करते, अच्छे साफ़ नहीं करते। ये यूरो 2 ये देखिए अभी हमने पूरा साफ़ कर दिया है, और इसको भी पूरा क्लीन कर दिया, ये देखिए पूरा क्लीन कर दिया, और इसको हम फिट करेंगे, फिट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका रिजल्ट। और स्पार्क प्लग भी हमने देखिए साफ़ कर लिया है, और साफ़ करके अब सब फिट करेंगे, फिट करके आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। हालांकि हमने पहले पोस दिया था इसको, और ये होती है इसमें पत्ती यूरो 2 वाली की, ये देखिए इसमें जो इसमें बड़ा होल होता है ये बड़े होल की तरफ होती है, और ये छोटा होल होता है, इस तरीके से पत्ती लगती है, ये देखिए पत्ती इस तरीके से हमारी फिट हो जाएगी, इस तरीके से फिट हो जाएगी, और इसको हम यहाँ पर फिट कर देंगे। तो फ्रेंड ये पैकिंग हमने यहाँ पे लगा देंगे, और पैकिंग लगाने के बाद हमको क्या करना है, ये इसकी जो है फ्लंच वाली ये जो पैकिंग होती है ये पाइप इस तरीके से हम लगा देंगे, प्रॉपर लगाएंगे। तो फ्रेंड फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और बढ़िया स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड इसमें जो हमने यूरो 2 भी लगा दिया, ये देखिए लगा दिया यूरो 2 लगा दिया, सबको लगा दिया, और इसका जो प्लग काला हो रहा था वो भी प्रॉब्लम, ये देखिए मैं आपको गाड़ी स्टार्ट कर दिखा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्टिंग और रेसिंग बिल्कुल बढ़िया है। अब मैंने इसको जो है 2-3 किलोमीटर चला भी लिया है, अब मैं इसका स्पार्क प्लग खोल करके दिखाता हूँ, इसका स्पार्क प्लग गंदा आता है कि सफ़ेद आता है काला आता है, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये देखिए ये स्पार्क प्लग है, और ये देखिए कोई भी कालापन नहीं है। ठीक फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर आप लोगों को गाड़ी में भी बार बार स्पार्क प्लग काला हो जाता है तो आप लोग समझ नहीं पाते क्या प्रॉब्लम आती है, तो एक बार ये यूरो 2 जो है ये यूरो 2 जो है इसको जरूर चेंज कीजिए, इसको जो है साफ़ कीजिए, क्लीन कीजिए, और कार्बोरेटर थोड़ी बहुत सेटिंग कर दीजिए, भाई इतना काम करना आपके जो प्लग जो काला होने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। ठीक फ्रेंड, वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।